और महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत को लेकर विपक्ष में खासा नाराजगी है और ये नाराजगी ईवीएम को लेकर है। इसे लेकर कांग्रेस नेता नसीम खान ने हमारे सहयोगी शुभम पांडे से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। कांग्रेस नेता आरिफ नसीम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस की जो पोजीशन आए, 16 विधायक आए हैं, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इतनी सीटें तो मोदी लहर में भी नहीं आए, तो बड़ी आश्चर्य के जनित सवाल हैं कि कैसे इतने विधायकों की संख्या कम हो। ये तो पत्रकार भी यही सवाल उठा रहे हैं, राजनीतिक पंडित भी यही सवाल उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में तीनों पार्टियों को जिस तरह से एक तरह से बहुत कम सीटों में सिमटा दिया गया है और जो शिकायतें आ रही हैं कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठ रहा है। तो महाराष्ट्र में चाहे 2014 हो, 2019 हो, दोनों ही चुनाव का नतीजा आप देख सकते हैं। जब मोदी जी की एकदम पीक पर अच्छे दिन की बात पर चुनाव लड़े थे 19 पर, जब पुलवामा के नाम पर चुनाव लड़े थे तब भी महाराष्ट्र में इतनी सीट भारतीय जनता पार्टी और महायुति को नहीं आई थी। आज अचानक ऐसा क्या हुआ है कि जो पूरा लैंडस्लाइड